सरकार को डीसी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए है। हम शांति प्रिय प्रदर्शन करके सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। हमारा कोई किसी तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं है, ये एक शांति। पुलिस द्वारा रोका गया आपको? पुलिस वाले ने रोका, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनका फर्ज बनता है, वो अपना फर्ज कर रहे हैं। हम पार्टी और जनता के प्रति लड़का सन 2012 में इस कानून को लागू करवाने के अंदर बड़ा जोशीला भाषण दे रहा था लोकसभा के अंदर, और वो करवाने के अंदर सन 2012 में कांग्रेस का वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी सरकार आओगी। मैं वादा करता हूँ चौटाला सरकार आओगी, देवीलाल ने बनाऊंगे खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक टाइम्स ऑफ पानीपत। अभी मैं मौजूद हूं पानीपत कोर्ट के सामने और आज यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जो सरकार द्वारा 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं उसके खिलाफ आज इंडियन नेशनल लोकदल यहां पर प्रदर्शन करने जा रहा है। हम किसानों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है, जो ये कृषि अध्यादेश पारित किया गया है इसमें आपको क्या कुछ नुकसान नजर आ रहा है? पूरा नुकसान है जी, अन जीरी बिक्री, अन कुछ लेना अन को देना, एक एक दो दो महीने हो जाए जीरी के पैसे भी आए, जो जिसकी पहली दफा तो बिकिए नहीं, क्यों हम देख लो जी, क्यों हम 2 महीने तो मेरे पैसे आए 2 महीने के बाद, क्यों बिक लिए 2 महीने के बाद पैसे हुए। जिमीदार कर पानी का संपर्क रहा करता, मेरी दुकान लड़की होगी किसी भाई की भी होगी, चाहे कहाँ तो लेंगे पैसे, बैंक में तो रहते कौन पैसे देगा मेरे को, जिम्मेदार बनिए तो रहता है जितने जा करता है भाई 10,000 रुपये इसमें पैसे लेट जाऊँगा बनिए तो सीधा उसमें खाते में गिरेगा, खाते में क्या छह दिन लिखा है, मेरी बहू बीमार हो रही, मेरे बच्चे बीमार हो रहे, कौन देगा पैसे छह दिन सुन तो इतना वहाँ जाएंगे बैंक में तो निकलवाऊंगा, इतना मेरे बीमार है वो तो शरीर पूरा जब मैं क्या करूँ उस फसल का। मतलब सुषमा स्वराज जी सन 2012 के अंदर इस पर बहस क्यों करती? उस समय सन 2012 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी ये बिल लेकर आई थी और उस समय विरोध किया था सुषमा स्वराज जी ने। उस समय सुषमा स्वराज जी लोकसभा में विपक्षी नेता होती थी। ये बताइए नुकसान क्या होगा? इससे किसान तबाह हो जाएगा, किसान तो आज भी तबाह होने के कगार में है, आज किसान के धान का कोई खरीदार नहीं है, जो धान हमारा 3,250-3,300 रुपये क्विंटल बिकता था खुद मेरा धान 1,500-1,850 रुपये में लुटा। बीजेपी पार्टी कह रही है किसान आत्मनिर्भर बनेगा। किसान आत्मनिर्भर बनाने की तो चलो बात अच्छी है, लेकिन हमें नहीं जचता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सन 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर पंजाब के अंदर एक ही बात कहते थे, हमारी सरकार आएगी हम डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। अब हमारा क्या भरोसा मोदी जी ने जब वो एक काम नहीं कराया। देखो जून में COVID-19 कोरोना काल था, कोरोना काल में इतनी कोई आपात शक्ति नहीं थी कि 3 अध्यादेश के शक्ल में ये कानून लेके आए, और फिर इन्होंने लोकसभा का सेशन में ये 3 अध्यादेश रखे और बगैर वोटिंग के इन्होंने राज्यसभा में पास करवा के आपातकाल की याद दिला दी। मोदी जो भी काम करने लग रहे हैं वो तानाशाही के रूप में काम करने लग रहे हैं। इसने तो इंदिरा गांधी को बुला दिया, आधी रात को तो इसने नोटबंदी कर दी, आधी रात को इसने लॉकडाउन कर दिया और आधी रात को ये 3 काले कानून लेके आ गया।
WTO का जो समझौता हुआ था सारे संसार का, उसमें ये था कि किसान अपना माल सारे संसार में किसी मार्केट में बेच सकता है। यूरोप के लोगों ने एक खाका तैयार किया था कि किसानी खत्म होनी चाहिए। अमेरिका में आज 2% किसान है, 37% थे 2 हो गए। यूरोप में 48% किसान थे, 6% रह गए। यही पॉलिसी मोदी यहाँ हिंदुस्तान में पैदा करना चाहता है, ताकि जो किसान पिछहत्तर फीसदी खेती बाड़ी करते हैं वो शहरों में आकर के मजदूरी करे, और ये जो ज़मीन है ये इसका लैंड बैंक बड़े बड़े अडानी और अंबानी खरीद करके और अपनी मन मर्जी चलाए। दूसरा कानून ये लेके आया कि जो स्टॉक होल्डिंग है, बचपन में एक आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था जिसमें 250 क्विंटल से ज़्यादा अनाज दालें और तेल की कोई भी होल्डिंग नहीं कर सकता। अब इसने वो कानून भी उड़ा दिया बचपन वाला। जैसे काला बाजारी बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि सारा माल तो ये खरीद लगे सस्ते दम। अडानी और अंबानी ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि MSP थी है रहेगी, तो भाई तू इतना ही कह रहे हैं तो तू तो ये भी कह रहा था 15 लाख देऊँगा तेरा खाते में काला धन पास पहचान लूँगा। किसान का कृषि मूल्य आयोग की जो रिपोर्ट स्वामीनाथन की वो भी लागू करूँगा। 5 करोड़ 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा दे दी। ये संसार का सबसे झूठा और जादूगर किस्म का आदमी है, इससे हिंदुस्तान के लोगों को बचना चाहिए। और इन कानूनों के खिलाफ हम किसान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करने के लिए आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और गवर्नर को DC के माध्यम से ज्ञापन देने का। सरकार ने MSP तैयार किया, अपना लागू किया, लेकिन उसके बाद ये भी खरीद नहीं हो रही है। ये तो एक इनका बहाना है, कभी कह रहे 30% मॉइस्चर, कभी कह 23 है, कभी कह 17 है। इन्होंने खरीदना ही नहीं है। गेहूँ चावल धान के समेत 23 दिन सब्जियों पर हिंदुस्तान में MSP है, और ये MSP में कभी भी 6% से ज़्यादा खरीद नहीं पाए। 94% तो व्यापारी खरीद के लिए जाते हैं। ये तो एक लॉलीपॉप दे रखे हैं MSP का, और वो भी कानूनी शक्ल नहीं दे रखी कि कभी भी साल 2 साल बंद कर देंगे। आप अपना नाम और पद बोल दीजिए। मेरा नाम युद्धवीर सिंह है, हिसार का रहने वाला हूँ। पूर्व में लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा 6 वर्ष, वर्तमान में मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। जो ये आज किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लाने के बाद अभी पूरे हरियाणा लेवल पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेशन के ऊपर DC को ज्ञापन देने के लिए, राज्यपाल तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के और सभी किसान भाई यहाँ पर एकत्रित हुए। तो कौन कौन आया है आज यहाँ पर प्रदर्शन में? हमारे इनेलो पार्टी की तरफ से, हमारे सिरसा से हमारे प्रभारी युद्धवीर सिंह आर्य जी। आज ये सरकार ने जो अध्यादेश पास किए हैं किसान के लिए और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल जिला पानीपत, हमारे जो जिला के प्रभारी लगाए हैं हमारे युद्धवीर आर्य जी, उनके नेतृत्व में जिला अध्यक्ष हेमराज जी, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष कुलदीप राठी जी, शहर से मैं, आज पूरी इंडियन नेशनल लोकदल समस्त नेतागण और कार्यकर्ताओं के साथ DC को एक ये ज्ञापन देना चाहती है लोकदल के माध्यम से, DC के माध्यम से, कि भाई आप सब गलत नीतियों को पास कर रहे हैं और राष्ट्रपति उस पर साइन कर रहे हैं, तो इस कार्य को आप जो पूर्ण रूप दे रहे हैं जिसके खिलाफ पूरी जनता है, आप उसको बिना जनता की सलाह के, बिना जनता की राय के, ये एक तानाशाह सरकार हो चुकी है, ये हिटलर से भी बुरा राज हो चुका है, और इस राज का, इन नीतियों का इंडियन नेशनल लोकदल विरोध करेगा और इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। DC के माध्यम से प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को, जो हरियाणा ये 3 अध्यादेश लाए हैं इनके विरोध में हमने रखा है कि प्रधानमंत्री जी से कहा है, मुख्यमंत्री जी से कहा है कि ये अध्यादेश वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये किसानों का डेट वारंट है। तो इसलिए हमने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर 14 जिले के अंदर आज सभी DC को के माध्यम से हम हरियाणा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे ये ज्ञापन वहाँ पहुँचाने का काम करें, और जो किसानों का ये इन्होंने 3 अध्यादेश लाए ये वापस लेने का काम करें। पद बोल दो आप। मैं रणबीर देसवाल, व्यापार सेल पानीपत जिला अध्यक्ष। आज हमारा जिला पानीपत का जो प्रदर्शन है ये किसानों के जो 3 अध्यादेश
सरकार लेकर के आई है उनके खिलाफ ये आज एकजुट होकर के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और डीसी को ज्ञापन देंगे ताकि राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल तक ये हमारा पहुँच सके, क्योंकि जो तीन वारंट सरकार लेकर के आई है अध्यादेश, ये किसान के लिए डेथ वारंट है। नहीं, लेकिन बीजेपी तो इसको किसानों के लिए फायदेमंद बना रही है। आप एक बार देखिए, आप फसल तो आप पहले भी कहीं बेच सकते हैं, अब आप यहाँ फसल हम पानीपत के रहने वाले हैं, अगर 50 रुपया भाव अगर सिरसा के अंदर ज़्यादा हुआ, अगर हम वहाँ लेके जाएंगे उसका खर्चा कितना पड़ेगा, उसका कैसे अंदाज़ा लगाएगी सरकार, ये चीज़ देखने की है। जो अध्यादेश के बारे में कह रहे हैं, ये सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। अगर वो कह रही है फायदा, हम मानते हैं इस चीज़ का, सरकार से एक निवेदन है कि इसके अंदर दो चीज़ और ऐड कर दें तो किसान इसका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। एक तो MSP का लिख दें भाई, MSP से नीचे नहीं होगा, खरीद बिल्कुल नहीं होगी, आप ये क्यों नहीं लिखते उसके अंदर। कह दिया भाई, कहते प्रधानमंत्री ने, कह दिया प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था 15-15 लाख खाते में आएंगे, इस जितना काला धन है विदेशों से यहाँ पे आएगा, जितने सारे लोग जिन्होंने वादे किए थे, क्या आज तक कोई पूरा किया प्रधानमंत्री ने? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि स्वामीनाथन के रिपोर्ट लागू करेंगे, क्या की है? तो ये तो झूठ बोलते हैं। एक तो MSP का वो लिखे इसके अंदर डाल दें, दूसरा किसान के अगर खिलाफ कोई अधिकारी इस तरह की वो करता है तो उसका भी हमारे को कोर्ट जाने का, किसान का अधिकार होना चाहिए ताकि वो अपनी बात को कोर्ट में रख सके। सरकार ने MSP तैयार किया लेकिन उसके बावजूद भी धान की खरीद अभी नहीं हो पा रही, किसान मंडियों में पड़े तो उसमें क्या करें? किसान मंडियों में परेशान है, मैं कल मंडियों में जा करके देख करके आया हूँ, इतना बुरा हाल है कि लोग 4-4 दिन से मंडियों में पड़े हैं। और आज मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने करनाल की बात है, वो कहता है कि भाई आपने मैसेज, किसानों ने कहा भाई मैसेज वाला सिस्टम बंद करिए, हम अपने हिसाब से लेकर गए, न बोले यहाँ हमने मेला थोड़न लगाना। वो किसान को मेला के रूप में समझते हैं, जो अन्नदाता है इस प्रदेश का, जो इस देश का अन्नदाता है, जो आप लोगों के पेट भरता है, उन लोगों को ये कहते हैं मेला लगाना। और आप लोग ये बैठ करके जहाँ मर्जी रैली करें, कोई कुछ प्रदर्शन करे, उनके बारे में कोई नहीं बोलता, ना कोई कानून के बारे में काम करता, लेकिन अगर कोई करता है तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी पर किस तरह लाठी बरसाएगी। ये सरकार जो है कोई इनसे खिलाफ बोलता है वो देशद्रोह हो जाता है, और जो इनके पक्ष में बोलता है वो ठीक है, जो इनको छोड़ करके जाता है उसके खिलाफ ये उसी दिन से CBI जांच बिठा देते हैं। DC को हम ज्ञापन देंगे, जिला उपायुक्त को, ताकि वो हमारी बात को आगे पहुँचा सकें।